वाटर वेव जो पैदा थियण इन जे करे आ सो वो मटेरियल हुंदो आ
एनर्जी करे आई वाटर वाटर ना हो जाए तो वाटर वेव पदार्थ थी ई का लिक्विड ना हो जाए तो उन्हें अंदर वाटर वेव पदार्थ थी वाटर वेव एक मैकेनिकल वेव है इन का अलावा बेओ भाई ऐसा वटे स्प्रिंग के अंदर है स्प्रिंग के अंदर एक कंप्रेशनल वेव्स होती हुई ने जेके पैदा कर सकते थियो एक स्लिंकी स्प्रिंग में स्लिंकी स्प्रिंग खड़ी करे उन में जेकर तहां उन स्लिंकी स्प्रिंग के अगते पोइते अगते पोइते अगते पोइते अगते पोइते मूव करायो तो तहां निसंदो तो उन के अंदर कंप्रेशन रिएक्शन था जी हां ये वेव्स होती है असल में जी आवाज के बारे में बुधवे मा तो मैं गलाया तो हवा में कंप्रेशन रिएक्शन ठंडा है और यो अगते है यो अगते है स्टॉप कर खाली यो अत्या है तो खास करे तो ये जो वेव्स हैं ये कंप्रेशन रिएक्शन की पैदा करनी है आ इन शा कंप्रेशन रिएक्शन हिन टॉपिक का बाद और टॉपिक आओ लिहाजा हिंदी गाल है तो यो जो साउंड है स्लिंग की स्प्रिंग आ उन्हें गत्ते कोई ते कंधा से देख ली वेव्स पैदा करनी हो उन्हें के चेक हुआ कंप्रेशनल वेव्स इन अच्छा करने से गदो कर ये भी कोई मैकेनिकल वेव्स हैं इन ऐसा गदो कर देव बड़ी ओपनिंग ट्यूब एंड क्लोज आर्गन ट्यूब असल में हेड एंड ये समझ के बांसुरी होती है असल में बांसुरी के आर्गन ट्यूब चाहिए सकूं था फिजिक्स के अंदर असल में यो वो ट्यूब होता है जिनके अंदर आवाज सफर तय कर दो इन्हें के चेक बहुत कंप्रेशनल वेव सागी लिहाजा ये जो आर्गन ट्यूब के अंदर वेव्स होती है इन्हें वेव्स जो भी तड़े मना एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेशन थी दो जड़े मटेरियल हो मतलब जेका असान बांसुरी हुंदी आ उन जे विच में सजो हिस्सो खाली हुंदा पर हवा तो हुंदी आ वो हवा वाली खणी वेंदी आ उन आवाज के खणी वेंदी आ उन वेव्स के खणी वेंदी आ ई असान मैकेनिकल वेव्स दा तमाम बड़ा मिसाल है हाणे ये मैकेनिकल वेव्स में एकड़ी इंपॉर्टेंट शी जड़ी आ मिले मैकेनिकल वेव्स इन ने मैकेनिकल वेव्स इन मैकेनिकल वेव्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जी हां ये शे तमाम के अगते लेक्चर्स में समझाई गई द एनर्जी जेका होदिया मैकेनिकल वेव्स जी वो एम्पलीट्यूड ते डिपेंड होदिया एम्पलीट्यूड ते डिपेंड होदिया एम्पलीट्यूड लहर जे अंदर थिंदो आ आणि वो किए थिंदो आ एम्पलीट्यूड उन जे लाय वेट कर सो असन ने को नेक्स्ट टॉपिक इदो वो हो ट्रांसवर्स वेव उन में का समझाई गई दो त एम्पलीट्यूड शा थिंदो आ लिहाजा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर सा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर एम्पलीट्यूड के वधाई दो तो एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव भी बदली जदे तसा वरी बे टाइप की तरफ जा जो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी हां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेगा नाती जेके सा पेयु वेव्स पडियो से हेव जसा जेके वेव्स होदी ने ये बर्की मेकानाती वेव्स होदी ने इन के बर्की मेकानाती लहर चेको आ इलेक्ट्रो जी माना है बर्क मैग्नेटिक जी माना है जेको मकनातीसी औ बेओ जेको असा वटे वेव आई माना है लहर सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक के मतलब बर्की मकनातीसी लहर बर्की बर्क मकनातीसी लहरू अहोवा मेकानाती लहरू हे बर्क मेका बर्क मेकना देखो सो मकनातीसी लहरू हाने ही असान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसे दी में इनके चेबो बर्क मकनातीसी लहरू इनकी माना इन इनकी डेफिनेशन चाहे दी वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल medium for its propagation is called electromagnetic wave जी हाँ हाँ हिंदी का समझो सिज तमाम घणो असा का परते हुंदो आ ये है अर्थ का सिज 10 लख मरतबा वडो हुंदो आ हिकड़ी गाल समझो अर्थ जे मथा जी हवा हुंदी आ मन एटमॉस्फेयर हुंदो आ बस के हद तई हुंदो आ बस इन का बाद में हवा भी काने का उन सगे इलाके के चेबो तो वैक्यूम इन के चेबो वैक्यूम वैक्यूम की माना है एड़ो इलाको जिथे हवा भी मौजूद न रहे द पोर्शन द स्पेस इन व्हिच देयर इज नथिंग नो मैटर इज कॉल्ड वैक्यूम इन के वैक्यूम की बस
अवस्था में ही हवा होगी परकुआ हवा सिर्फ हीलियम आणि असा वट खैर अर्थ जे मथा जेका हवा होगी वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगी ए सजे के मथा हीलियम ही हीलियम हवा मौजूद बस हुआ भी के वरी हद नहीं मौजूद अगते वरी हवा वो मौजूद ना है मन सजे जो पांजो एटमॉस्फेयर आ अर्थ जो पांजो एटमॉस्फेयर आ पर वो कुछ हद तई है बाद में लगा हवा भी काने बाद में लगा मटेरियल भी जे विच में काने को पर को भी असा दे सजमा लाइट की जे चे के सोचवा ता या लाइट असा दे अचे दी औ किए जे चे सिर्फ हेडे लाइट न कटदो आ सिर्फ हेडे भी कटदो आ लाइट सिर्फ हेडे भी लाइट कटदो आ हर तरफ चौथारी लाइट कटदो आ पांजे पर असा हेने न करे तो सिर्फ जे का लाइट हेने तो करे जेट सिर्फ आरी बराबर थिन साइड या तो असा या गल न हेने वक्त सिजमानिका रोशनी जे थी जेका लाइट जे थी उन लाइट के खणी ईंदर खबर तो केरा ही एक लहरू हुंदी हुई ने जेकी असा के दिसण में नहीं की करे पर ये जेके लहरू ता दिसो था ये लहरू जो रहे दियो ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी हां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में छा थींदो आ त ये लहरू हुंदी हुई ने औ ये एक जगह खां बी जगह ते ईंदी हुई ने औ पाण में शाखणी हुई ने लाइट के इन वक्त भी जेके लाइट हिन वक्त अची रही आ औ वा लाइट जेका मुझे जिस्म सा लगे थी औ मता मुके दिसी सको ता इने जे करिया जो ये का लाइट अचे थी उन लाइट के खणी ईंदड़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ सो लाइट जो खणी ईंदड़ कैरियर वेव आ पर वेव जो नालो आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन के के में मटेरियल की जरूरत न होंदी आणि क्वेश्चन नो जरूर साईं मटेरियल की जरूरत शो ना है ताणे इहो थोड़ो वडी लेवल जो टॉपिक आ मां हिन वक्त तां के जवाब दे सकियां नेक्स्ट ते जेके लेक्चर्स मां अपलोड कंदो वेंदो सो उनमें तां समझदा वेंदो पर अखे जवाब इहो आ त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐं मैग्नेटिक फील्ड हूंदी आ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की थियल होंदी आ ऐं इन फील्ड्स के मटेरियल की जरूरत न होंदी आ तंहिंजे करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मटेरियल की जरूरत न होंदी आ तंहिंजे करे लाइट के अचण जे लाइ मटेरियल की जरूरत न होंदी आ इन सां गॾु गॾु लाइट न अथव लाइट बिल्कुल न आहे हिकु लाइट सां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ़ लाइट खे न खणी ईंदी आ ॿार भुल में हूंदा आहिनि त रुॻो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट खे खणी ईंदी आहे न असल में हिकड़ी ॻाल्हि सम्झो थोरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असल में मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे फ्रीक्वेंसी सां हाणे फ्रीक्वेंसी खे एफ सां ज़ाहिर कयो तव्हांजी मर्ज़ी पर किताबनि में हिन निशानी सां ज़ाहिर कयो वियो आहे हिन निशानी खे चइबो आहे न्यू हिन निशानी खे चइबो आहे न्यू जी हा हेॾे छा हो त एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड सां छो इहे मैकेनिकल वेव आहे मैकेनिकल वेव जी एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ पर हे जका साउंड वेव आ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ हिन जी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सा ताल्लुक की रखे फ्रीक्वेंसी सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ वधिक फ्रीक्वेंसी वधिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घट फ्रीक्वेंसी घट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ो सबर कयो समझो मां हिकड़ी गाल कई त जेका लाइट आ लाइट के विजिबल लाइट चबो अथव उहा विजिबल हूंदी आहे जे करे हाणे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असांखे अचे थी उहा लाइट खे खणी थी अचे ग़लति सिर्फ़ लाइट न हूंदी आहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिकु ॿी एनर्जी खे बि खणी ईंदी आहे हीट हिन वक़्तु जेका हीट असांखे अची रही आहे इन हीट के असा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असा यो मनिदा हूं कि या जेका हीट आ या हीट खणी ईंदड़ केरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ इन सा गडो गड बी हिकड़ी वडी खतरनाक एनर्जी हुंदी आ जेके चेबो आ गामा रे एनर्जी शायद तहां ही लफ्ज पेरो मतो मिसदा हो हिन निशानी के चेबो तव गामा और ही है लिखल रे रे की माना रे रे लिखो तहां जी मर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखो तहां जी मर्जी गामा रे या लिखो गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गामा रे या लिखो गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाणे थिए छा थो त असल में असां वटि कुझु अहिड़ा मटीरियल हूंदा आहिनि जेके चवराइबा आहिनि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स केमिस्ट्री में तव्हांखे उहो सेखारियो वेंदो उहे छा कढंदा आहिनि पंहिंजो पाण मां गामा रेस कढंदा आहिनि गामा रेस इंतिहाई ख़तरनाक हूंदियूं आहिनि एतिरियूं ख़तरनाक आहिनि जो पंज मिंट गामा रेस लॻनि के इंसान खे उहो ख़ाक थी वञे
एडियो खतरनाक मरता ये चंदो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट के खणी दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गामा रे के भी खणी दिया पर सिज मा गामा रे सो सन नथी उठे गामा रे नथी निकर सिज रगो एडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असा ने कडे तो जेके लाइट वेव्स है गामा रे से के तो कडे रेडियो एक्टिव मटी दे इन सा गदो गद इन का घट घट लेवल वाली फ्रीक्वेंसी रखंदड़ बी थव एक्स रेस बी आहे एक्स रेस और सोची ना हो तो एक्स रे केर तो कटे शाह सही रेडियो एक्टिव मटेरियल तो कटे न रेडियो एक्टिव मटेरियल गामा रे कट दुआ एक्स रे कटता है एकड़ो बियो असाड तरीको आ यो एकड़ो बड़ो तरीको आ ता जी मैट्रिक में यो बिल्कुल टॉपिक ना है फर्स्ट ईयर में यो टॉपिक बिल्कुल ना है इंटर में इंटर में हो टॉपिक का उन मास समझना उन टॉपिक ने डालो ब्रेम स्ट्रे हलिंग ब्रेम स्ट्रे हलिंग एक अड़ो टॉपिक का जे में सिखाना हूं तो एक्स रेज ट्रांग्यू ही में आओ वे उन टॉपिक के थ्रू समझना हूं तो एक्स रेज की ट्रांग्यू है तमाम लिहाजा एक्स रेज के खड़ी कर केरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगेन तो वहां चाहिए सको था अगेन यू हैव टू से ए आइदर यू राइट एक्स रेज और यू हैव टू राइट एक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिहाजा रेज माना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाने गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बड़ी कहे एक्स रे की फ्रीक्वेंसी घटा एक्स रे का घट फ्रीक्वेंसी ने है बी शया उन जो नालो आ अल्ट्रा वायोलेट एने के जूम करे जाजो अल्ट्रा वायोलेट तहे लग थोड़ दिस जी जी का दिसी रहे हो जी लफ्ज आए अल्ट्रा वायोलेट असल में एक एड़ी एनर्जी थव असा बाहर जे करे हाने सज मा निकलंदी है अल्ट्रा वायोलेट केमा इंडिया से जमा अच्छा अल्ट्रा वायलेट के खणी के रिंदो सही सागो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वापस जूम आउट कर छस आणे अल्ट्रा वायलेट के वापस खणी के रिंदो अल्ट्रा वायलेट के खणी इंदो जे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आणे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यार गामा के खणी के छे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे के खण दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वरी खणी दिया अल्ट्रा वायलेट के अल्ट्रा वायलेट छ दिया सनबर्न कर दिया सनबर्न ताहा जे कने बाहर उस ते बाहर निकलना हो त रंग कारो थिंदो विंदो आ औ जे कने मजदूरन के ता बेचारन के दिसंदो या के एड़ा के जन साई हो थेलो जे हादसो त उन जे के सन बर्न थी वे हो जे त उन जी जे का स्किन आ बेचारन जी वो अब गाढ़ी ए कारी थी वे दिया इन के जे को सन बर्न आणे इयो जे को सन बर्न इशू एक डिजीज आ या अल्ट्रा वायलेट के थी दिया अल्ट्रा वायलेट स्किन जे कलर के साड़ी रो दिदो आ परमानेंट डिफॉर्मेशन आने चली हुआ लिहाजा अल्ट्रा वायलेट के माथि निकलन अल्ट्रा वायलेट निकलन दियो सिजमा विजिबल लाइट की निकलन दिया सिजमा अल्ट्रा वायलेट निकल दिया हां एक्स रे से खड़ी की तड़ो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ उन मान पर एक्स रे निकलन दी पीछे मान सिजमा ना आउ गामा रेज भी सिजमा निकलन दियो हेबी के शेमा निकलन दियो जे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बुझाय मा पर तहां के हेर को बुधानो हो या तहां के हे बकणा है अल्ट्रा वायलेट और लाइट मिनिमम फ्रीक्वेंसी के जी वधिक ओ हि अल्ट्रा वायलेट घट फ्रीक्वेंसी के जी इन लाइट वेव जी लाइट वेव का घट फ्रीक्वेंसी के जी इंफ्रारेड इन रेज विच इज साइन इंफ्रारेड रेज है ता रिमोट कंट्रोल जे टीवी में बटन लगाईदा हो त आगो एक बत्ती लगल होनी है रिमोट में उहा जका बतिया रिमोट के बटन लगन सा बरंदिया पर असा के न दिस जंदिया शोर दिस जंदिया इन जे करे तो वा जका बत्ती लाइट कडदिया उहा इंफ्रारेड लाइट हुंदिया या इंफ्रारेड लाइट है जका निकरी रहीया या इन बल्ब मा ता दिसी सको ता कैमरा जे थ्रू हाने कैमरा जे थ्रू ता दिसी सको ता कैमरा में उहा विजिबल थी दिया इंफ्रारेड रेडिएशन हाने कने नवे के कैमरास आई हने उन कैमरास में ता दिठो हुंदो त जे करे के मानु के एकड़ो कैमरा के यूज करणो आ त जे उन बंदे में केतरी हीट आ वो दिसौ त इंफ्रारेड मूड हुंदो उन में आईआर मूड में चलो त उन के हणदा आ इंफ्रारेड रेडिएशन दिस जियो या फिर ताई के फ्रीमिलिटी हुंदी भला एड़ी के फ्रीमिलिटी हुंदी मिसाल तौर ते सिक्योरिटी पर्पस ला इस्तेमाल कंदा है सिक्योरिटी पर्पस ला इस्तेमाल कंदा है कीअं ताने दिठो हुंदो त काफी फिल्मिन में जाते हीरा रखना है ने उनन के चोर चोरण विंदा है ने हीरन के डायमंड्स के त हेट वरी के कॉज ओ विशा देना लाइट यू जे के खास चश्मे सा दिस जली हुई और उमे जे के लाइट यू हुंदी ने ये इंफ्रारेड लाइट हुंदी है जी एक पुराने जमाने में फिल्म आई कयामत
उन में अजय देवगन में दुआ तो वो जगह लाइट दिसन दुआ वो लाइट है जगह इन इंफ्रारेड होंगी आज जी चोरी करने में दुआ उन्हें सेक्शन में तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन से चश्मे सामने की दिशा में बियो इन साथ तो कर बियो वरी पुराने जमाने में एक फिल्म आएगी मिशन इम्पॉसिबल वन है टॉम क्रूज जी उनमें भी हो जाए चोरी करने में दुआ इंफ्रारेड रेडिएशन से के चश्मे सामने दिशा दुआ इंफ्रारेड रेडिएशन से लगल होती है खतरनाक ना है पर उतने न कर रखना है तो इंफ्रारेड रेडिएशन से जगह कोई टच करे तो उतने ही अलार्म बज दुआ अब कोई चोर गिरी आयो इन सेक्शन में जिथे जो डायमंड पेवा या तो धूम टू फिल्म उनमें भी खास करे एक तलवार होती है चौधारी वरी जो इंफ्रारेड रेडिएशन लगल होती है खास चश्मे से दिसजंदी है हाँ ये खतरनाक न होंगे इन्हें टच करण से अलार्म बज पव तो खबर पवी पुलिस चोर गिरी आया कुछ मन चवण का मकसद ये इंफ्रारेड रेडिएशन से अखे भी यूज करता हूं इंफ्रारेड रेडिएशन से के पैदा कर तमाम आसान है दुखी गल है इंफ्रारेड का घट फ्रीक्वेंसी रखा है माइक्रोवेव्स घटे अच्छा माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव ओवन में होंगी माइक्रोवेव ओवन में पैदा थी माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव से पैदा कर लिहाजा इन बाद में आखिरी अचे तो रेडियो वेव्स असानी मोबाइल में वक्त निकली रही मोबाइल जा सिग्नल जीपीएस सिस्टम जा सिग्नल ट्रैकिंग सिस्टम जा सिग्नल सैटेलाइट के मिलने सिग्नल रेडियो वेव्स असा जेके कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स यूज था क्यों रोजमर्रा जिंदगी में वे सब रेडियो वेव्स के भी खड़ी केयर नहीं हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइक्रोवेव्स के भी माइक्रोवेव पैदा करने के लिए माइक्रोवेव ओवन हुआ माइक्रोवेव्स के खड़ी मने वालों केयर हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के खड़ी मने वालों केयर हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छा हेले ता बदला ना लियो मने हेली फ्रीक्वेंसी बदी के हेले ता मने फ्रीक्वेंसी ने जी घटा लिहाजा फ्रीक्वेंसी सा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ही ता जो चैप्टर नंबर 1 है जा बट टॉपिक पूरा थी गया पंजाब टेक्स्ट जे अंदर हाने पंजाब टेक्स्ट जे अंदर ये बट टॉपिक कहां जा पूरा थी गया पंजाब टेक्स्ट में हु सब गाली लिखे रहे ता वो पढ़ी सको था होता पंजाब टेक्स्ट जे अंदर एक प्रॉब्लम्स भी नंदन में आया है एमसीक्यूज क्वेरीज अच्छा क्लास 10 तो हाँ वो तुम ऋषि सको था उनके सुठे तरीके से हिन टुकड़े के जूम इन कर छो तो जी वारन दिखा सका सो बेटा जो इन सुठे तरीके से पढ़ो मां रिपीट तो क्या वेव के बिन हिस्से में विरायो वे एकड़ी वेव है जिन के चेबो मैकेनिकल वेव्स या मटेरियल वेव्स बी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिन अलावा नॉन मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक जगह का भी जगह देने के लिए मटेरियल की जरूरत ना है वे बगैर मटेरियल जे भी एक जगह का भी जगह पे बनी सकती है भले मटेरियल ना हो जे और मैकेनिकल वेव के एक जगह का भी जगह देने के लिए मटेरियल की जरूरत पवंदी है हाँ नेक्स्ट टॉपिक असान जो नेक्स्ट लेक्चर अन्या हिनन ते ही होंगे मां हिनन ते कुछ एक्सपेरिमेंट्स तांग सिखाएंगे किताब में कुछ रिकवर एक्टिविटीज हैं उन्हें मतलब सिखाएंगे सब मैकेनिकल वेव्स और जो कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये केली में आने तहाई कमजोर है